नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ एक कंपोनेंट देखते हैं, एक टायर है। इस टायर को इससे पहले भी हमने KTM V5, क्रियो पैरामेट्रिक 7.0, ऑटोडेस्क इन्वेंटर NX12 पर भी बनाया है, तो आज हम इसे बनाएंगे ऑटोकैड 2021 3D पर। तो आप मेरे साथ इस कॉम्पोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर दोस्तों, फाइल क्लोज करने के बाद ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। दोस्तों ये वो स्क्रीन है जब हम ऑटोकैड के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है। यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग को देखिए, टेम्पलेट पर मैंने क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन होता है। मुझे यहाँ से acad3d.twt पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करने पर डायरेक्टली जो हमारे सामने फाइल ओपन होती है वो 3D की होती है, इस तरह से। इससे पहले भी मैं अपने कई वीडियोज में आपको बता चुका हूँ, लगभग हर एक वीडियो में ये बताता हूँ कि यहाँ से हम वर्क स्पेस स्विचिंग की मदद से जो है ये 3D मॉडलिंग पर आते हैं। तो हमें ये ऊपर जो कमांड्स नज़र आ रही हैं, एक्सट्रूड बॉक्स, पॉली सॉलिड, प्रेसफुल, ये सब हमें दिखाई देती हैं। जनरली जब हम फाइल ओपन करते हैं ऑटोकैड में, कोई भी फाइल ओपन करते हैं, तो वो 2D की फाइल ओपन होती है और ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन की कमांड्स हमें नज़र आती है। तो ये चेंज भी हमें करना होगा यहाँ से। ये सेटिंग जैसा आइकन है, वर्क स्पेस स्विचिंग कहते हैं इसे यहाँ से। तो अब हम कॉम्पोनेंट बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ से अनसेव व्यू पर क्लिक किया, यहाँ से मैं फ्रंट प्लेन फ्रंट व्यू लिया मैंने। यहाँ से देखिए जो व्यू क्यूब है, यहाँ पर टॉप पर क्लिक किया और यहाँ राइट क्लिक किया टॉप पर और पैरेलल का ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। आगे मैंने पहले तो क्या किया, यहाँ से L टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद मैसेज आता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने टाइप किया 0.0 और एंटर प्रेस किया। ये देखिए ओरिजिन यहाँ पर इसने पकड़ लिया। अब यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन किया, ऊपर की तरफ हम जाएंगे कितना 200 और एंटर प्रेस किया मैंने और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकला है। यहाँ से मैंने टॉप पर क्लिक किया, देखिए ये एक लाइन क्रिएट हो गई यहाँ पे, ये देखिए 200 mm की। अब इसके ऊपर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल पर क्लिक किया और मैसेज आता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मैंने यहाँ क्लिक किया। इसके बाद डी टाइप करके एंटर प्रेस किया, मैसेज आता है स्पेसिफाई लेंथ, मैंने लिया 200 और एंटर प्रेस किया। इसके बाद मैसेज आता है स्पेसिफाई विड्थ, फिर मैंने 200 दिया और एंटर प्रेस किया। तो एक 200x200 का एक देख रहे हैं आप स्क्वायर बन गया यहाँ पर। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, कमांड से बाहर निकला है। अब M टाइप करके एंटर प्रेस किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर दबाया फिर से और ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से उठाया और इस लाइन के एंड पॉइंट पर यहाँ पर रख दिया। ओके, ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड कर देंगे। तो X टाइप करके एंटर प्रेस किया मैंने, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, मैंने O टाइप करके एंटर प्रेस किया, सॉरी पहले तो हम एक वो बना लेते हैं यहाँ पर, ये एक लाइन बनेगी। और अब यहाँ से O टाइप करके एंटर प्रेस किया, टाइप किया 75 और एंटर प्रेस किया। एक क्लिक इधर, एक क्लिक इस साइड, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इस साइड, एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर निकला है। फिर O टाइप करके एंटर प्रेस किया, इस बार ऑफसेट डिस्टेंस दे दिया मैंने 8 और एंटर प्रेस किया। इस बार ये लाइन नीचे की तरफ लाके ऑफसेट करेंगे और एंटर दबाकर कमांड से बाहर निकल जाएंगे। अब O टाइप करके एंटर प्रेस किया, अब टाइप किया 184 और एंटर प्रेस किया। अब इस पॉइंट से मतलब इस लाइन से नीचे की तरफ ये 184 एक क्लिक और कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इसके पैरेलल 184 mm पे ये लाइन ऑफसेट हो गई और एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर निकला। अब यहाँ से हम जाएंगे स्टार्ट एंड रेडियस पर, ये है हमारा स्टार्ट, ये है एंड। कर्सर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, रेडियस की वैल्यू देंगे हम यहाँ पर 471.75 और एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, इस तरह से। इसके बाद फिर से जाते हैं हम स्टार्ट एंड रेडियस पर, एक क्लिक इधर, एक क्लिक नीचे और रेडियस की वैल्यू थी 190, एंटर। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम
फिर से जाएंगे स्टार्ट एंड रेडियस, सर यहाँ से इस बार हम ले लेते हैं वो टाइप करके इंट्रोड्यूस किया, 30 टाइप करके इंट्रोड्यूस किया हमने, यहाँ से ये लाइन को इस डायरेक्शन में 30 एमएम पे ऑफसेट कर लिया। अच्छा अब यहाँ से स्टार्ट एंड रेडियस एक क्लिक इस पॉइंट पर, एक क्लिक इस पॉइंट पर, कर्सर को ये देखिए नीचे की तरफ लेकर के रेडियस की वैल्यू दे दी 15 और एंटर प्रेस कर दिया, इस तरह से बन गया। अब देखिए ये लाइन को दोनों को सेलेक्ट किया, इरेज कर दिया और ये दोनों लाइनों को भी इरेज कर दिया और इस तरह से देखिए ये जो लाइनें बनी हुई हैं इन सबको हम इरेज कर देंगे और इसे भी इरेज कर दिया। अब यहाँ से हम मिरर कमांड यूज करेंगे, एम आई टाइप करके एंटर प्रेस किया ये आर्क और इस आर्क पर क्लिक किया, एंटर प्रेस किया। अब एक क्लिक ये मिड पॉइंट पर और एक क्लिक नीचे ये परपेंडिकुलर भी नजर आ रहा है इस पॉइंट पर और एंटर दबाया और टी आर टाइप करके डबल एंटर, एंटर को दो बार प्रेस करेंगे ये यहाँ से ट्रिम होगा। देखिए इस तरह से एस्केप दबाया कमांड से बाहर निकले या फिर एंटर दबाया कमांड से बाहर निकल आते हैं। अब हमें ये इंश्योर करना है कि पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो ज्वाइन हो जाए, तो हम जे टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देखिए ये लाइन भी हमारी साथ में सेलेक्ट हो रही है, तो हम एस्केप दबाया हमने फिर से इस लाइन पर क्लिक किया और इस लाइन पर भी क्लिक किया, ई टाइप करके एंटर प्रेस किया, इरेज हो गई है लाइन। अब जे टाइप करके एंटर प्रेस किया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, ये देखिए अब एक ऑब्जेक्ट में ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है। अब इसे हम रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करने के लिए यहाँ से लाइन पर क्लिक किया हमने और टाइप किया 0,0 और एंटर प्रेस किया। अब इस डायरेक्शन में हमने किसी भी लेंथ की लाइन क्रिएट करी है, ये देखिए 332 दिखा रहा है, यहीं पर क्लिक कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और यहाँ से अब होम पर क्लिक करेंगे और इधर अननेम्ड WCS। अब ये रही रिवॉल्व कमांड, रिवॉल्व पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, एंटर दबाया, इस पॉइंट पर क्लिक किया और इस पॉइंट पर क्लिक किया और इस वाले पॉइंट पर हुआ नहीं था, एस्केप दबाया, फिर से करते हैं इसे, रिवॉल्व पर क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, एंटर प्रेस किया और अब इस पॉइंट पर क्लिक किया और इसके बाद इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, देखिए मिड पॉइंट पर क्लिक किया तो ये और उसके बाद एंटर दबा दिया, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से देखिए रिवॉल्व पर एक 3D सॉलिड बना दिया इस तरह। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से फ्रंट, अब ये मुझे नज़र आ रहा था यहाँ से टॉप ले लेते हैं और पैरेलल। अब यहाँ से हम लाइन पर आए, क्लिक किया और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं और टाइप करेंगे 50 और इसके बाद ऑर्थो मोड यहाँ से ऑफ करेंगे, इस डायरेक्शन में लाइन को लेकर जाएंगे, टाइप करेंगे हम टैब की से पहले तो ये 50 डिग्री नज़र आ रहा है, यहाँ से टैब से गए हम 50 की जगह यहाँ पे दिया 45, फिर टैब दबाया, अब एंगल लॉक हो गया, इसके बाद हम यहाँ टाइप करेंगे 50 और एंटर प्रेस करेंगे और दोबारा एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर निकल आएंगे। अच्छा अब सेम यही तरीका नीचे के लिए भी, लाइन पर क्लिक किया दोबारा, इस पॉइंट पर क्लिक किया, इसी डायरेक्शन में देखिए यहाँ से ये ट्रैकिंग हमें मिल रही है, एंगल देखिए 135 आ रहा है और वैल्यू जो लेंथ है वो हम ले लेंगे 50 और एंटर प्रेस करेंगे और दोबारा एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर निकल आएंगे। इसके बाद हम जे टाइप करके हमने एंटर प्रेस किया, इन दोनों लाइनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ये अब एक लाइन में कन्वर्ट हो गई लाइन। ओके अब ओ टाइप करके एंटर प्रेस किया, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस 15 ले लिया हमने, 15 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, एक क्लिक इस तरफ और एक क्लिक इस तरफ और एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अब एम आई टाइप करके एंटर प्रेस किया, अब
एक दो, फिर एंटर प्रेस किया और ऑर्थो मोड आपका ऑन कर लिया यहाँ से। अब एक क्लिक इधर और एक क्लिक ऊपर कहीं पर भी और एंटर दबा दिया। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट मेरा हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम कि एक ये लाइन ले ली हमने, हमें बाउंड्री क्रिएट करनी है। ऐसे हमने यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑफ किया और ये लाइन बना ली अंदाजे से इस तरीके से कि ये लाइन जो है ये इसको बाउंड्री मिल जाएगी तो ये एक्सटेंड हो जाएगी लाइन। अब यहाँ से हमने ई एक्स टाइप करके एंटर को दो बार प्रेस करेंगे और इस लाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस लाइन पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, सॉरी शिफ्ट मैंने हटा लिया, और फिर इस लाइन पर क्लिक किया और इस लाइन पर क्लिक किया। इसके बाद शिफ्ट दबाएंगे, दबाए रहेंगे शिफ्ट को। अब देखिए ये जो हम एक्सटेंशन कर रहे थे लाइन को वो ट्रिम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो इस कमांड में है। इस लाइन को हम नहीं हटाएंगे, हमारे लिए रेफरेंस का काम करेगा। देखिए ये लाइन हमने यहाँ से भी हटा दी, इसे भी सब ट्रिम किया और अब एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आएंगे। अब यहाँ से गए लाइन पर, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ, बाहर निकले कमांड से। फिर दोबारा लाइन में गए, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब इसे भी जॉइन कमांड की मदद से हम जोड़ देते हैं। जे टाइप करके एंटर प्रेस किया, और इस तरह से सिलेक्शन किया। ये ध्यान रहे ये लाइन जो है ये सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, और एंटर प्रेस किया। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। एस्केप दबाया, बाहर निकले। यहाँ से अब हम होम अननेम्ड WCS, अब L टाइप करके एंटर प्रेस किया, 0.0 टाइप किया और एंटर प्रेस किया। अब देखिए इस डायरेक्शन में हमारा, यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन किया, देखिए ऊपर की तरफ ये Z एक्सिस की तरफ कर्सर को लेकर आएंगे। टाइप करेंगे 410 और एंटर प्रेस करेंगे और दोबारा एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर निकलेंगे। देखिए ये इसका एक सिरा जो है वो निकला हुआ है यहाँ पर। अब हम यहाँ से लेंगे मूव कमांड, एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, दोबारा एंटर प्रेस किया। ये देखिए इस लाइन का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से उठाया और इस पॉइंट पर रख दिया इस तरह से। ये देखिए अब इस लाइन को सेलेक्ट करके इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से लिया हमने एक्सट्रूड, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, नीचे की तरफ लेकर जाएंगे हम 25 mm और एंटर प्रेस कर दिया। इस तरह से हमें नजर आएगा। ओके, अब यहाँ से हमें इसे एरे करना है। एस्केप दबाया। ओके, अब यहाँ से हमने लिया 3DAR टाइप किया, एंटर प्रेस किया, मैसेज आता सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर एंटर प्रेस किया। अब मैसेज आता है रेक्टेंगुलर और पोलर, तो यहाँ से ले लिया पोलर। अब मैसेज आता है एंटर नंबर ऑफ आइटम्स इन दी एरे, यानी कि 28, और एंटर प्रेस किया। स्पेसिफाई एंगल टू फिल 360 रखा है तो ठीक है, यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया। रोटेट एरेड ऑब्जेक्ट येस पर है, देखिए चेक मार्क, तो हम एंटर दबाएंगे। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, तो देखिए ये पॉइंट है हमारे लिए सेंटर पॉइंट, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो इस तरफ हम लेकर आएंगे कर्सर को और कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ एरे, एस्केप दबाया, दोबारा से 3D एरे हम करेंगे। देखिए 3DAR टाइप करके एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का मैसेज आता है, ये ऑब्जेक्ट हमारा, इसे सेलेक्ट किया और एंटर दबाया। एंटर टाइप ऑफ एरे पोलर ले लिया, एंटर नंबर ऑफ आइटम्स इन दी एरे 28 टाइप पर एंटर प्रेस किया। स्पेसिफाई एंगल टू फिल 360 है तो फिर एंटर प्रेस कर दिया। रोटेट और एरेड ऑब्जेक्ट्स तो येस होना चाहिए, यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, तो मैंने देखिए ये है यहाँ पे सेंटर पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट है इस पर क्लिक किया और एक क्लिक यहाँ से इस डायरेक्शन में, देखिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेकर आए कर्सर को, यहाँ पर करूँगा जैसे क्लिक करूँगा देखिए एरे हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। ओके, एरे होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो पहले हमने रिवॉल्व किया था ऑब्जेक्ट, इसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, आइसोलेट पर गए,
हाइड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट किया, देखिए ये ऑब्जेक्ट हाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी लाइनें बनी हुई थी इसे हमने इरेज कर दिया, ई टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। अब हम टाइप करेंगे ग्रुप जी आर ओ यू पी और एंटर प्रेस किया, इस पूरे को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को विंडो बना के और एंटर दबाया। अब देखिए पूरा एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक बार में देखिए सेलेक्ट हो गया ग्रुप। अब हम राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट पर जाएंगे, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन इसको क्लिक कर दिया, तो देखिए फिर से हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आने लगा जो हमने पहले बनाया था। अब हम सब्ट्रैक्ट कमांड यूज करेंगे, टाइप करेंगे एस यू बी टी, देखिए सब्ट्रैक्ट आया, एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो हम ये टायर जो हमने मतलब पहले जो रिवॉल्व किया था इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। अब ये ग्रुप जो वाले ये ऑब्जेक्ट्स हैं इन पर जाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए इस तरह से ये हमें ऑब्जेक्ट नजर आया। ओके, अब इसके बाद शेल करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को शेल करते हैं, तो शेल करने के लिए हम यहां से ये देखिए ये रहा शेल कमांड, शेल पर क्लिक किया, सेलेक्ट अ 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया। अब देखिए थोड़ा सा मैंने घुमाया ऐसे, और अब थोड़ा जूम इन करेंगे, जूम इन करने के बाद देखिए ये सरफेस मुझे सेलेक्ट करनी है, जूम इन किया और इस सरफेस पर कर्सर को ले जाके क्लिक किया, देखिए सेलेक्ट हो गई और एंटर प्रेस किया। अब एंटर शेल ऑफसेट डिस्टेंस मैंने टाइप किया 5 और एंटर प्रेस किया, अब चूंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड शेप का ऑब्जेक्ट है तो ये शेल करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स का। लेकिन जब हम 3D AutoCAD में बनाते हैं और वायर फ्रेम में काम करते हैं तो ये उतना स्लो नहीं काम करता जितना कि अभी ये शेल करने में टाइम दे रहा है। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट शेल हो गया, हमने एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकला। तो दोस्तों ये था टायर इन ऑटोकैड 3D। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें।